अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो टॉपिक का नाम है ट्विन्स, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ट्विन्स कहते हैं दो बच्चों का इकट्ठे पैदा होना, दो का या दो से ज़्यादा बर्थ होना बेबीज़ का, दे आर कॉल्ड ट्विन्स है। जब बच्चे पैदा होते हैं दो तरह के होते हैं, या आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं या फर्टर्नल होते हैं, मतलब फर्टर्नल भी कह सकते हैं या आप उसको आइडेंटिकल ट्विन्स का नाम भी दे सकते हैं। अब अगर फर्टर्नल और आइडेंटिकल में फ़र्क देखा जाए, कैसे ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल देखा जाए जो डिटो कॉपी होती है सेम टू सेम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। अगर जेंडर का फर्क है, एक मेल है एक फीमेल है, या कलर का फर्क है, तो आप उसको फर्टर्नल ट्विन्स का नाम देते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स में क्या होता है, एक बनता है एग और जैसे स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है वो जायगोट बन जाता है। जायगोट डिवाइड होता है और अगर जायगोट के सेल सेपरेट हो जाएं तो सेपरेट होने के बाद वो कंप्लीट ऑफस्प्रिंग बनाने की खासियत रखते हैं। तो इस तरह दो बच्चे पैदा होंगे जो सेल दो सेपरेट हो चुके हैं जायगोटिक लेवल के ऊपर, ऐसे बच्चों को नाम देते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। मतलब एक एग बना, एक स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ और आगे जाके जायगोटिक जो सेल्स है वो सेपरेट हुए और सेपरेट होने के बाद दोनों ने दो बच्चे बना दिए, दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। फर्टर्नल ट्विन्स में क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर फीमेल में दो एग की फॉर्मेशन हो जाए, दोनों एग सेपरेट फर्टिलाइज हो और दोनों एग से दो बच्चे बने, तो इसका मतलब सेपरेट फर्टिलाइजेशन है, सेपरेट एग है, ऐसे बच्चों को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड फर्टर्नल ट्विन्स है बेटा। मतलब आइडेंटिकल में बहुत जेनेटिकली आइडेंटिकल, दोनों कॉपी होंगे जीन्स के लिहाज से जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, पर फर्टर्नल में जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। आइडेंटिकल में बोथ सेक्सेस आर सेम, दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी। फर्टर्नल में बोथ सेक्सेस में बी सेम और नॉट, या तो लड़के हो सकता है या लड़का और लड़की भी हो सकती है, ये फर्टर्नल ट्विन्स की खासियत है। आइडेंटिकल में एक फर्टिलाइजेशन हुई है, पर फर्टर्नल मोर देन वन फर्टिलाइजेशन हुई है। आइडेंटिकल में एक नाली बनती है प्लेसेंटा, और जब फर्टर्नल मोर देन वन प्लेसेंटा बनता है, और याद रखिएगा आइडेंटिकल में जो फीमेल के अंदर ओवरी है एक एक्टिव होती है, पर जो कि फर्टर्नल में दो ओवरी, बोथ ओवरीज आर एक्टिव हेयर, यहाँ पे दोनों ओवरी एक्टिव थे और दो एग बने थे। इवन कि होता नहीं है, फीमेल एक मंथ में एक ओवरी एक्टिव करती है और अगले मंथ में वो ओवरी डीएक्टिव हो जाती है और दूसरी वाली एक्टिव हो जाती है। तो फर्टर्नल में अगर दोनों ओवरी एक्टिव हो जाएं तो दो एग बनेंगे, और जब दो एग बनेंगे तो दो बच्चे आगे जो प्रोड्यूस होंगे, ये फर्टर्नल ट्विन्स होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।